मंदसौर जिले में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में तस्कर नए नए तरीके से तस्करी कर रहे हैं। इसको लेकर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा को देखते हुए मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना अंतर्गत एक व्यक्ति ने पुष्पा फिल्म स्टाइल में पानी के टैंकर को काट कर अवैध डोरा चूरे की तस्करी करते हुए सीतामऊ पुलिस ने पकड़ा। पुलिस को सूचना मिली थी काफी समय से इसी तरीके से तस्करी थाना क्षेत्र में हो रही है। इस पर बीती रात पुलिस मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची। एक व्यक्ति को करीब 3 क्विंटल डोरा चूरा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस प्रकरण में एक पिकअप वाहन, एक टैंकर, करीब 4 लाख रुपए की मशूका जब्त की। निश्चित रूप से पुष्पा स्टाइल ही थी। आरोपीगण काफी शातिर रहे हैं और जिनके द्वारा एक टैंकर जो कि पानी के लिए यूज होता है, उस टैंकर को डबल टैंकर के रूप में निर्मित किया गया था और इसके एक पार्ट में डोडा चूरा भरा जाता था, सेकंड पार्ट में पानी भरा जाता था। किसी भी व्यक्ति को बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि वो पानी का टैंकर है, इसलिए कोई भी हाथ भी नहीं देता था, ना कोई समझ पाता था। इतने शातिर बदमाश थे कि उस टैंकर में जब भी माल ये डालते थे अंदर डोडा चूरा, तब किसी को भनक भी नहीं लगने देते क्योंकि एक क्लोज कैंपस के अंदर से डालते थे। आज हमारे द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान ये पाया गया कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक डोडा चूरा भरा हुआ पानी का टैंकर, जो कि सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट का टैंकर बताया जा रहा है, उस टैंकर को चेक करने पर हो सकता है कि डोडा चूरा माल निकले और सामने कोई पिकअप गाड़ी भी हो सकती है जो कि पायलटिंग कर रही है। सूचना के आधार पर हमारी टीम सब इंस्पेक्टर शुभम व्यास एवं अन्य थाने के फोर्स द्वारा चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान कुछ देर बाद पिकअप गाड़ी आती दिखाई दी, जो कि पुलिस को उसका ड्राइवर देखकर गाड़ी छोड़कर भागा, किंतु टैंकर का चालक जब टैंकर जब पीछे था उसको रोकने पर उसके द्वारा उससे पूछताछ सख्ती से की गई तो टैंकर में उसने डोडा चूरा होना पाया बताया।